आईटीआई डीके सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के प्रैक्टिकल में आपको ट्रांसफार्मर का प्रैक्टिकल सिखाएंगे। ट्रांसफार्मर में आपको 5 से 6 प्रैक्टिकल हो सकते हैं। जैसे पहला प्रैक्टिकल होता है कि जो ये ट्रांसफार्मर है इसमें हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज वाइंडिंग कौन सी है वो टेस्ट करके दिखानी। दूसरी है कि इसकी ध्रुवता टेस्ट, पोलरिटी टेस्ट का भी प्रैक्टिकल होता है इसमें कि इसमें पोलरिटी टेस्ट में क्या होता है कि जैसे इसमें ये प्राइमरी वाइंडिंग है तो एक वायर तो हो जाता है प्राइमरी का P1 एक P2, तो सेकेंडरी का S1 कौन सा है, S2 कौन सा है, ठीक है। तीसरा प्रैक्टिकल होता है आपका इसमें जो लॉस होते हैं कौन कौन से लॉस होते हैं, आयरन लॉस और कॉपर लॉस। आयरन लॉस ज्ञात करने के लिए कौन सा इसमें टेस्ट किया जाता है, ओपन सर्किट टेस्ट, और कॉपर लॉस ज्ञात करने के लिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट ज्ञात किया जाता है। कितने प्रैक्टिकल हो गए, 4 प्रैक्टिकल हो। एक होता है इसके अंदर इसकी दक्षता ज्ञात करना, एक होता है वोल्टेज रेगुलेशन, कितने हो गए, 6 हो गए। एक होता है कि दो ट्रांसफार्मरों का पैरेलल या सीरीज संयोजन करना, ठीक है, 7 प्रैक्टिकल हो। 3 फेज ट्रांसफार्मर होता है उसमें आपको पूछ सकते हैं ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को स्टार में कनेक्ट करना, डेल्टा में संयोजन करना, साथ में एक होता है ट्रांसफार्मर ऑयल उसकी टेस्टिंग करना जिसको बोलते हैं BDV टेस्ट, ब्रेक डाउन वोल्टेज टेस्ट। तो 3 तो हो गए और 7 ही हो गए, टोटल कितने प्रैक्टिकल है, 10 प्रैक्टिकल। तो आज अपन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के प्रैक्टिकल करने वाले हैं जिसमें पहला प्रैक्टिकल रहेगा कि इस ट्रांसफार्मर जो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है इसमें हाई वोल्टेज वाइंडिंग कौन सी है और लो वोल्टेज कौन सी है। आप इसमें ये रखा हुआ है बता सकते हो, ऐसे प्रैक्टिकल नॉर्मल प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट में पूछते हैं, ठीक है। अब इसमें कोई ज्यादा माथा फोड़ी वाला सिस्टम नहीं है लेकिन आपको नहीं आता, ठीक है। तो ये ट्रांसफार्मर है, पहले तो ये बताओ कि ट्रांसफार्मर होता क्या है, आपको ये पता होना चाहिए पहले तो कि ट्रांसफार्मर होता है क्या है। एसी वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करके एक परिपथ से दूसरे परिपथ में विद्युत सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट या ट्रांसमिशन करना इसका काम है। ये एक वैद्युतिक युक्ति है जो एसी वोल्टेज बोल दो या एसी करंट बोल दो, इसको अपन बोलते हैं कॉमन एसी वैद्युतिक ऊर्जा को स्टेप अप और स्टेप डाउन करके एक परिपथ से दूसरे परिपथ में डिस्ट्रीब्यूट करता ट्रांसफार्मर। अब ये वैद्युतिक युक्ति है, इसकी रेटिंग भी होती होगी, किसमें होती है इसकी रेटिंग, केवीए में, किलो वोल्ट एम्पियर में। अब ये ट्रांसफार्मर है इस वोल्टेज को स्टेप अप भी करता है और स्टेप डाउन भी करता है। जो ट्रांसफार्मर कम वोल्टेज को अधिक वोल्टेज में कन्वर्ट करता है तो वो होता है स्टेप अप, ठीक है, जो अधिक को कम में करता है वो होता है स्टेप डाउन। इस ट्रांसफार्मर में कुछ भाग भी होते हैं, जैसे बड़ा ट्रांसफार्मर है वो भाग ही बताएंगे आपको। इसमें जो भाग है तो ये जो भाग है इसको क्या बोलते हैं अपन, ये है कोर। कोर क्यों लगाई जाती है इसमें, फ्लक्स को रास्ता प्रदान करने के लिए, दूसरी इस पर वाइंडिंग लपेटने के लिए, ठीक है। इस पे वाइंडिंग होती है जो दो होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी वाइंडिंग किसे कहा जाता है, जिसको सप्लाई से कनेक्ट किया जाता है वो प्राइमरी, जिसको लोड से संयोजित किया जाता है वो सेकेंड, ठीक है। स्टेप अप है या स्टेप डाउन आप बता सकते हो, ट्रांसफार्मर स्टेप अप या स्टेप डाउन, नहीं बता सकते क्योंकि आप इसको स्टेप अप भी कर सकते हैं और स्टेप डाउन भी कर सकते हैं। इसमें वाइंडिंग है, एक हाई वोल्टेज वाइंडिंग रहेगी, एक लो वोल्टेज रहेगी। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है तो सिंगल फेज की रेटिंग कितनी होती है, 230 या 240 वोल्ट। तो एक वाइंडिंग तो इसमें 240 या 230 50 तक रहती है कि 4-5% टॉलरेंस भी रहता है उसमें, कम ज्यादा भी हो सकता है। तो 250 वोल्ट तक अपन रेटिंग मान सकते हैं उसकी, एक रहेगी 250 वोल्ट की और दूसरी रहेगी 250 वोल्ट से कम की, ठीक है। अब इस
आज के प्रैक्टिकल में आपको सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में जितने जो प्रैक्टिकल आपसे पूछते हैं स्किल टेस्ट में वो बताएंगे। पहला जो प्रैक्टिकल आपका रहेगा सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का, वो रहेगा ट्रांसफार्मर होता है उसमें दो वाइंडिंग होते हैं, हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज। उसकी टेस्टिंग करनी है आपको कौन सी हाई वोल्टेज है कौन सी लो वोल्टेज। तो प्रैक्टिकल का नाम ट्रांसफार्मर की उच्च वोल्टेज और निम्न वोल्टेज। वाइंडिंग की जांच करना, पहला प्रैक्टिकल। कैसे करोगे इसकी जांच? आपके पास ट्रांसफार्मर है सिंगल फेज का, ट्रांसफार्मर स्टेप अप भी हो सकता है स्टेप डाउन भी हो सकता है। एक वाइंडिंग तो आएगी ज्यादा टर्न होंगे एक वाइंडिंग में और दूसरी आएगी कम टर्न की। अगर ज्यादा टर्न वाली वाइंडिंग में अपन वोल्टेज देते हैं तो कम टर्न वाली में वोल्टेज का मान कम होता है, जिसमें टर्न ज्यादा होंगे उसका रेजिस्टेंस का मान क्या होगा अधिक होगा, जिसमें टर्न कम होंगे रेजिस्टेंस का मान कम होगा। ठीक है, ये वाइंडिंग एक ये वाइंडिंग, दो वाइंडिंग हो गई। अभी प्राइमरी और सेकेंडरी नहीं मालूम कौन सी प्राइमरी है कौन सी सेकेंडरी, दोनों का रेजिस्टेंस चेक करना, जिसमें ज्यादा रेजिस्टेंस आए वो हाई वोल्टेज, जिसका रेजिस्टेंस कम आए लो वोल्टेज। ठीक है, अगर इस ट्रांसफार्मर को स्टेप डाउन बनाना है तो हाई वोल्टेज वाइंडिंग में सप्लाई देना, लो वोल्टेज वाइंडिंग की तरफ आपको वोल्टेज डाउन मिले। इसकी प्राइमरी वाइंडिंग कौन सी होगी? ये हो और ये सेकेंडरी वाइंडिंग हो। आ रही क्या समझ में? ट्रांसफार्मर है, दोनों वाइंडिंग से चार टर्मिनल निकलेंगे, दो दो टर्मिनलों की जांच कर लेनी है। जिसमें ज्यादा रेजिस्टेंस आएगा वो तो हाई वोल्टेज, जिसमें कम आएगा वो लो वोल्टेज। ठीक है, अब ये ट्रांसफार्मर आ गए, इसमें ये तो हाई वोल्टेज वाइंडिंग हो गई और ये लो वोल्टेज हो। ठीक है, अब ट्रांसफार्मर को स्टेप अप बनाना हो तो लो वोल्टेज वाइंडिंग में वोल्टेज देना, इसकी रेटिंग का आपको हाई वोल्टेज वाइंडिंग की रेटिंग का वोल्टेज मिल जाएगा। अगर डाउन बनाना है तो हाई वोल्टेज वाइंडिंग की रेटिंग का वोल्टेज दो, लो वोल्टेज वाइंडिंग की रेटिंग का मिल जाएगा। जिस वाइंडिंग को आप सप्लाई से जोड़ोगे वो तो हो गई प्राइमरी, जिसको लोड से जोड़ोगे वो हो गई सेकेंड। आगे बात सुनो, प्राइमरी किसको कहना है, सेकेंडरी किसको कहना है, हाई वोल्टेज कौन सी होगी, लो वोल्टेज कौन सी। ठीक, पहला प्रैक्टिकली आप दो है? क्या? हाँ, स्टेप अप स्टेप डाउन। अब मान लो कि ये ट्रांसफार्मर है, 250 वोल्टेज की इसकी ये वाइंडिंग है, 150 वोल्टेज की ये। ठीक है, अब इसको आप स्टेप अप बनाना है तो 150 वोल्टेज अगर आपके पास है तो 250 वोल्टेज बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसका काम स्टेप अप और स्टेप डाउन करना है। अगर आपके पास 250 वोल्टेज है, 150 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इस रेटिंग का ट्रांसफार्मर 150 दे देगा आपको। जैसे अपने डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है बाहर, वो 11,000 वोल्टेज को 440 में चेंज कर रहे हैं। कुछ ट्रांसफार्मर ऐसे भी हैं कि उसको 440 देंगे तो 11,000 भी देते हैं। ठीक है, 11,000 को 33,000 में कन्वर्ट करने के लिए स्टेप अप, या 11,000 को 440 में कन्वर्ट करने के लिए स्टेप डाउन। तो जिस साइड में अपन वोल्टेज दे रहे हैं स्टेप अप या स्टेप डाउन करने के लिए, वो साइड होगी प्राइमरी। जिस साइड से अपना आउटपुट ले रहे हैं वो होगी सेकेंडरी। वो हो सकती है निम्न वोल्टेज वाइंडिंग भी, वो हो सकती है उच्च वोल्टेज भी, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, अब ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर अपन काम में लेंगे इसका। 250 वोल्टेज अपने पास, 150 में कन्वर्ट करना है। दूसरा प्रैक्टिकल है आपका कि ट्रांसफार्मर की ध्रुवता परीक्षण, ऑलरेडी टेस्ट। ऑलरेडी टेस्ट के अंदर आपको ये दोनों वाइंडिंग है, इस वाइंडिंग में एक तो होता है इन वाला टर्मिनल, एक होता है आउट वाला, एक फर्स्ट टर्मिनल और एक सेकंड।
ये मान लिया प्राइमरी वाइंडिंग है, तो इसका ये P1 टर्मिनल हो गया और ये P2। अब सेकेंडरी का कौन सा S1 है और कौन सा S2 है, इसमें तो एक आपने मान लिया और एक मानना ही है आपको, एक टर्मिनल P1 मान लोगे तो दूसरा इसका P2 हो जाएगा, लेकिन इसमें आपको देखना है, देखोगे कैसे, इसकी फ्लक्स की दिशा चेक करके, इसको बोलते हैं पोलरिटी टेस्ट। पोलरिटी टेस्ट कैसे करना, आपको ट्रांसफार्मर लेना, ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग रहेंगी प्राइमरी और सेकेंडरी, एक प्राइमरी का टर्मिनल ले लेना और एक सेकेंडरी का, दोनों को क्या करना है शॉर्ट कर देना, कर दिया शॉर्ट। अब आपके पास एक प्राइमरी का बच गया और एक सेकेंडरी का बच गया, इसमें आपको लगाना है वोल्टमीटर, लगा दिया। अब ये तो सेकेंडरी साइड हो गई, ये प्राइमरी साइड हो गई, अगर आप सेकेंडरी साइड में वोल्टेज देना है आपको तो कितना वोल्टेज दोगे आप, 150, इसकी रेटिंग का ही देना है। अगर प्राइमरी में दोगे तो कितना दे देना, 250, इससे अधिक नहीं देना है, 250, 150 से अधिक नहीं देना, ठीक है। अब आप मान लो कि 250 वोल्टेज वाली वाइंडिंग है, इसमें आपने दे दी, अगर 250 वोल्टेज आप दे रहे हो और ये वोल्टमीटर 250 वोल्ट से अधिक दिखा रहा है, आपको रीडिंग दे रहा है, तो ये जो टर्मिनल है ये असमान रहेंगे, अलग अलग, कहने का मतलब आपने इसको P1 मान लिया तो ये क्या हो जाएगा, S2 हो जाएगा। अगर ये सेम दे रहा है, मतलब 250 से कम दे रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, ये एक तो आपने बैटरी देखी होगी, बैटरी वाला सिंबल दे, ये बैटरी का पॉजिटिव सिरा है, ये नेगेटिव, ये मान लेते हैं अपन 10 वोल्ट की कोई बैटरी, एक बैटरी और लेंगे वो मान लेते हैं 5 वोल्ट की बैटरी, अब इसमें इसको सीरीज में जोड़ेंगे तो इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव हम जोड़ दिए, तो वोल्टेज का मान कितना हो गया, 15 हो गया ना, तो ये 10 और ये 5 क्या हो गए, जुड़ गए, लेकिन जुड़ गए कैसे कि एक नेगेटिव जोड़ दिया और एक पॉजिटिव, विपरीत हो गए ना सीरे, तो अगर इसमें वोल्टेज का मान बढ़ रहा है, 250 वोल्टेज का मान, मान लो कि ये 250 है और ये 150 है, 250 और 150 ऐड हो जाएंगे, कितने हो गया, 400 वोल्टेज हो, अगर वोल्टेज वोल्टमीटर वोल्टेज का मान दिखा रहा है 400, तो ये सीरे हो जाएंगे, असमान विपरीत हो जाएंगे, इसको 1 मान लिया तो इसको मानना पड़ेगा 2, अगर 250 वोल्टेज दे रहे हो और सीरे क्या हो गए, समान, अब मैं मान लो कि यहां आपको नेगेटिव सीरा जोड़ देता हूं, नेगेटिव नेगेटिव एक साइड में कर दिया और पॉजिटिव पॉजिटिव एक साइड में कर दिया, तो ये 10 वोल्टेज की जो बैटरी है इसमें से 5 माइनस हो जाएंगे, ठीक है, तो 250 वोल्टेज में से 150 क्या हो जाएंगे माइनस, अब कितना बच गया इनके पास, 100, इस कंडीशन में ये वोल्टमीटर कितना वोल्टेज दिखाएगा, 100 वोल्टेज दिखाएगा, अगर वोल्टेज का मान कम दिखा रहा है तो ये क्या हो जाएंगे, समान, समान का मतलब ये P1 है तो ये क्या हो जाएगा, S1, आगे के बाद समझ में, दो प्रैक्टिकल हो बता, तीसरा प्रैक्टिकल है आपका पोलरिटी टेस्ट करने के बाद, और ये क्यों की जाती है, दो ट्रांसफार्मरों को श्रेणी में या समांतर में जोड़ने के लिए। अब ये ट्रांसफार्मर आपका, इसकी रेटिंग मान लेते हैं अपने 1 KVA का, आपका लोड 2 KVA का होगा, तो आपको दो ट्रांसफार्मर चाहिए या 2 KVA का एक चाहिए, ठीक है, लेकिन 2 KVA का आपके पास ट्रांसफार्मर नहीं है तो आपको दो ट्रांसफार्मरों को किस क्रम में जोड़ना पड़ेगा, पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा, ये दो ट्रांसफार्मर हो गए आपके पास, ठीक है, ये दो ट्रांसफार्मर, ये भी 1 KVA का और ये भी, दोनों ट्रांसफार्मर सेम रेटिंग के होंगे तो ये आपको पैरेलल ऑपरेशन करना है, ठीक है।
इस पैरेलल में जोड़ने की तीन शर्तें हैं, उसमें फ्रीक्वेंसी समान होनी चाहिए, उसमें फेज क्रम समान होनी चाहिए और उसकी रेटिंग समान होनी चाहिए। ये फेज क्रम तो आपने चेक कर लिया पोलरिटी टेस्ट। अब ये सेम रेटिंग के ले लिए दो, फ्रीक्वेंसी दोनों में आप सप्लाई साथ दोगे तो फ्रीक्वेंसी का मान भी सेम रहेगा। अब इसका आपने चेक कर लिया कि ये इसका P1 है, ये S2 हो गया, ये P2 है, ये S1 हो गया। इसी हिसाब से इसका भी कर लो P1 S2 P2 S1, क्यों विपरीत है टर्मिनल। अब इसको पैरेलल में आपको जोड़ना है तो P1 को P1 से कनेक्ट कर दो, P2 को P2 से कनेक्ट, ठीक है। एक तो P1 में सप्लाई दे दो और एक P2 में। अब इसमें आप 250 वोल्टेज दोगे, एक ट्रांसफार्मर की मान लो 250 एक एम्पियर रेटिंग है, तो इसकी भी क्या हो जाएगी 2 एम्पियर रेटिंग हो जाएगी, लोड ज्यादा सहन कर पाएगा। S2 को S2 से जोड़ दो, S1 को S1 से जोड़, आउटपुट कहां लेना है, एक तो S1 से और एक S2 से। ये आपका पैरेलल ऑपरेशन हो गया ट्रांसफार्मर। आ रही है समझ में? समझ में आ रही है। अगर आपको सीरीज में जोड़ना हो, सीरीज में दो कंडीशन से जोड़ सकते हैं आप। अगर आपके पास वोल्टेज का मान 250 वोल्टेज ही है और आपको ये मान लो कि 150 वोल्ट की रेटिंग का एक ट्रांसफार्मर है और ये भी 150 वोल्ट की रेटिंग का ट्रांसफार्मर है, आपके पास वोल्टेज इनपुट में 150 है और इधर आपको 300 वोल्टेज चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, सरणी संयोजन करना पड़ेगा। सरणी संयोजन क्या करना है कि अगर वोल्टेज 500 है तो दोनों वाइंडिंग को कर दो सीरीज में, अगर आपके पास वोल्टेज 250 है तो आपको प्राइमरी वाइंडिंग को छेड़ना नहीं है, पैरेलल में रहने देना है, और सेकेंडरी वाइंडिंग का एक का S1 और एक का S2, फर्स्ट ट्रांसफार्मर का S1 सेकेंड का S2 जोड़ देना सीरीज में। अब आपको 150 ये 150 ये टोटल आउटपुट कितना मिलेगा, 300 वोल्ट का मिलेगा। अगर आपने इसको भी जोड़ दिया तो ये 250 वोल्टेज दो जगह डिवाइड हो जाएगा, दोनों में 125 125 वोल्टेज आएगा, इसकी आउटपुट क्षमता कितनी है 150, तो 150 का आधा कितना हो गया 75 और 75, आपको आउटपुट में वही 150 मिलेगा क्योंकि आप दे रहे हो उसको 250। अगर वहां से आप 500 वोल्टेज देते हो तो इधर 300 मिल जाएगा, अगर है ही आपके पास 250 तो सेकेंडरी का कर दो चेंज, सेकेंडरी को सीरीज में कर दो, फिर ये क्या कि 250 और 150 दे देगा, 300 दे देगा। आगे बात समझ में। तीसरा है दो ट्रांसफार्मरों का सरणी और समांतर संयोजन, उतार लो इस सर्किट को। इससे अगला प्रैक्टिकल होगा आपका ट्रांसफार्मर का ओपन सर्किट टेस्ट, क्यों किया जाता है, लोहा हानि आयरन लॉस ज्ञात करने के लिए। उतारो अगला प्रैक्टिकल आपका ट्रांसफार्मर ओपन सर्किट टेस्ट। आपके पास मान लो कि एक ट्रांसफार्मर है
इसमें दो वाइंडिंग है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग की उच्च वोल्टेज वाइंडिंग साइड है वो 250 वोल्टेज की रेटिंग की है और सेकेंडरी 150। हमेशा ओपन सर्किट टेस्ट निम्न वोल्टेज वाइंडिंग में किया जाता है, उच्च वोल्टेज वाइंडिंग ओपन रखी जाती है। ठीक है, तो ये हो गई निम्न वोल्टेज वाइंडिंग, ये 150 वोल्ट है तो इसमें पूरा 150 वोल्टेज देना आपको। ठीक है, लेकिन आपको इसमें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी लगाने हैं। एक तो लगाना पड़ेगा आपको वाट मीटर, ये आपका वाट मीटर है। वाट मीटर में दो कॉइल लगती है, सीसी और पीसी है क्या? कठे एक है आपका एमीटर और एक लगा दिया वोल्ट। देखो ये एसी और डीसी चक्कर है, पड़ा वाट मीटर होता है आपका। वाट मीटर के अंदर चार टर्मिनल होते हैं, कई मीटरों में लिखा होता है एम एल सी और वी। इसका नाम मेन लाइन कॉमन वोल्टेज। ये एम और सी की एक कॉइल है और ये शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट उच्च वोल्टेज वाइंडिंग साइड में होगा और निम्न वोल्टेज वाइंडिंग रहेगी वो रहेगी शॉर्ट। ठीक है, निम्न वोल्टेज वाइंडिंग कर देना शॉर्ट, उच्च वोल्टेज वाइंडिंग है इसमें एक तो लगा देना वाट मीटर और एक लगाना है आपको एमीटर, एक लगा देना वोल्ट मीटर। अब इस वाइंडिंग को, इसमें तो आपने पूरी रेटिंग का वोल्टेज दे दिया, लेकिन ये जो उच्च वोल्टेज वाइंडिंग में आप शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हो तो इसकी रेटिंग का मात्र 5% ही वोल्टेज देना है। क्यों? क्योंकि इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग शॉर्ट है। अगर इसमें वोल्टेज का मान बढ़ा दोगे तो ये जल जाएगी वाइंडिंग। ठीक है, क्योंकि करंट का मान अधिक हो जाता है इसमें। तो इसका 250 का 5% कितना हुआ? 12.5 वोल्ट। इसमें अधिकतम 15 वोल्ट से ज्यादा नहीं देना। यहां 15 वोल्ट एसी सप्लाई दे देना, आपका जो वाट मीटर रीडिंग देगा वो कौन सा लॉस दर्शाएगा? कॉपर लॉस। ठीक है, ये कॉपर लॉस दर्शाएगा। कॉपर लॉस हो आयरन लॉस हो हमेशा क्या है, किसी पावर वाट में आएगा। अगर इसमें रीडिंग नहीं दिख रही आपको, क्योंकि कम मान का अगर ट्रांसफार्मर है तो कमी उसमें लॉस होगा, तो आपके पास वोल्ट मीटर है और ए मीटर है, तो आपको पावर निकालनी हो तो वी इंटू आई इंटू कोस फाइव और एड कर देना इसमें, ये आपका कॉपर लॉस आ जाएगा इसमें। ठीक है, ठीक है। अगला प्रैक्टिकल है, ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा प्रतिशत में निकाला जाता है। ठीक है, ये आपके पास ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में आप लोड लगाते हो तो क्या होता है, लॉस का मान बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि कॉपर लॉस का मान भी बढ़ जाता है। अब ये ट्रांसफार्मर, ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गई, ये सेकेंडरी हो गई, इधर से अपन दे दिया मान लो कि 250, ये स्टेप डाउन करके कितने में कन्वर्ट कर दिया? 150 वोल्ट। ठीक है, इस पे कोई लोड नहीं लगा हुआ। अब इससे वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है, वी एन एल माइनस वी एफ एल बटा वी एफ।
अगर प्रतिशत में आप निकाल रहे हैं तो क्या आ जाएगा, 100 आवेज। ठीक है, यह है वोल्टेज रेगुलेशन, प्रतिशत वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला है। VNL का मतलब होता है नो लोड वोल्टेज, VFL का मतलब होता है फुल लोड वोल्टेज, और प्रतिशत में निकालना हो तो मल्टीप्लाई कर देना इसको 100 से। अब देखो इस ट्रांसफार्मर में आप 250 वोल्टेज दोगे, इधर 150 दे दिया, अभी कोई लोड नहीं लगाया गया, तो यहां वोल्टमीटर में रीडिंग देख लेना, आप 250 दे रहे हो, यहां एक वोल्टमीटर और लगा देना, कितनी आ गई, 150 आ गई। ये कौन सी वोल्टेज हो गई, नो लोड वोल्टेज, ये हो गई नो लोड वोल्टेज। अब इस पर आप कोई लोड लगाओगे, और लोड भी क्या लगाना है, इसकी रेटिंग का, अगर इसकी रेटिंग 1000 वाट की रेटिंग है, 1 KVA की रेटिंग है, तो उसमें 1 KVA का फुल लोड लगाना है, इसकी अधिकतम क्षमता कितनी, वो लोड लगा दिया, मान लो इसमें 1000 वाट का लोड लगा लिया, ये इसमें क्षमता है। ठीक है, अब इसका वोल्टेज मापोगे तो कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे, इसमें कम हो जाएंगे, मान लिया कि इसमें आ गया 140, कितना आ गया, जब तक लोड नहीं लगाया तब 150, और लोड लगाते कितना हो गया, 140 हो गया, तो ये हो गया आपका फुल लोड वोल्टेज, नो लोड वोल्टेज 150, फुल लोड 140, और फुल लोड बटा में लेकर आपको गुणा करना है 100 से। अब इसका वोल्टेज रेगुलेशन आप निकालोगे तो कितना आ गया, 7.14, ये क्या आ गया, प्रतिशत है, 7.14 क्या है, प्रतिशत है वोल्टेज रेगुलेशन। अगला प्रैक्टिकल है इसकी दक्षता, दक्षता आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, दक्षता का फॉर्मूला होता है वैसे आउटपुट, प्रतिशत में निकलेगी दक्षता भी, आउटपुट बटा इनपुट इनटू 100। अब देखो इसकी आउटपुट और इनपुट क्षमता कितनी होती, ये वोल्टेज रेगुलेशन वाला आ गया ना फंडा समझ में, इसको तो मिटाओ। अब दक्षता का फॉर्मूला होता है आउटपुट बटा इनपुट, आउटपुट क्षमता कितनी है इसकी, इनपुट क्षमता कितनी है, मान लो कि 250 150 इसकी रेटिंग है ट्रांसफार्मर की, और 10 एम्पियर क्षमता मान लो इसकी, है ना, मान लेते हैं, तो कितना पावर होगा इसमें, 1500 वाट हो गया। अब इस पर अपने इसकी रेटिंग का लोड लगा रहे हैं, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप होके 140 हो गया, करंट रेटिंग वही रख लो, ये क्या हो गई इसकी आउटपुट, और ये क्या हो गई इनपुट, इनपुट जो अपने को ये देने वाला है, आउटपुट जो मिल रही है उसमें से क्या होगा, लॉस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी रेटिंग कितनी आई, 1400। अब 100 वाट का लॉस हो गया तो इन आउटपुट कितनी है, 1400, इनपुट कितनी आ गई, 1500, प्रतिशत में निकालना आपको तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, किसका ये दक्षता का फॉर्मूला है, प्रतिशत दक्षता, तो कितना आ गया, 20 से 20 काट दो, 1400 बटा 15 में भाग लगाओ, कितनी आ गई, 95.93, ये इतनी परसेंट इसकी दक्षता रही। ठीक है, 93 आ रही है, 93 लिख देंगे, 93.33 ये इसकी दक्षता आ जाती। तो ऐसे प्रैक्टिकल कितने हो गए, वोल्टेज रेगुलेशन और दक्षता। आगे ये बात समझ में, अब देखो थ्री फेज ट्रांसफार्मर है, थ्री फेज ट्रांसफार्मर के अंदर आपको सिंगल फेज जैसे 3 ट्रांसफार्मर मिलेंगे, ये मान लेते हैं अपन 3 फेज ट्रांसफार्मर आपके पास,
ये आठ प्रैक्टिकल तो हो गए सिंगल फेज के, और ये हो गए थ्री फेज। ये मान लेते हैं आपकी ट्रांसफार्मर को, ठीक है, थ्री फेज ट्रांसफार्मर है तो तीन वाइंडिंग रहेंगी उसमें, एक वाइंडिंग तो ये होगी, दूसरी वाइंडिंग ये कर दो, और तीसरी वाइंडिंग ये हो जाएगी, कितनी होगी, तीन वाइंडिंग प्राइमरी होंगी और तीन ही वाइंडिंग सेकेंडरी होंगी। नहीं होगी। अब एक वाइंडिंग का नाम रख लेता हूं ए, एक का बी और एक का सी, ये वाइंडिंग ए हो गई, ये बी हो गई और ये सी हो, ए बी, ए बी और सी, ठीक है, या एक नंबर दो नंबर तीन नंबर रख लेना। अब ए वाइंडिंग है, इसका मैं ए वन मान लेता हूं, ये ए टू, ये बी वन, ये बी टू और ये सी वन और ये सी टू, ये प्राइमरी वाइंडिंग का मान लिया आपने। अब सेकेंडरी का आपको चेक करना है, वही क्वालिटी टेस्ट, तो आप चेक करके देख लेना कि मान लिया कि इसका ये ए वन है, ये ए टू हो गया, हाँ एक बार ए ट्रांसफार्मर की, फिर बी की, फिर सी की, तीन तीन वाइंडिंग अलग छह टर्मिनल निकलेंगे, ये बी, ये सी वन और ये सी। अब देखो ट्रांसफार्मर में इस वाइंडिंग का संयोजन दो प्रकार से होता है, स्टार या डेल्टा। अब मान लो कि ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, तो इसकी प्राइमरी का तो होगा डेल्टा में, डेल्टा का सिंबल बनता है ये, और सेकेंडरी का हो जाएगा स्टार में, ये स्टार का सिंबल, ठीक है, स्टार और डेल्टा में सिंबल बनेगा, उस हिसाब से आपको इसका कनेक्शन करना है। अब देखो आपके पास ये तीन वाइंडिंग है, एक तो ए वाइंडिंग ये हो गई, बी वाइंडिंग ये हो गई और सी वाइंडिंग ये हो, तीन वाइंडिंग हो गई ना, ए बी और सी। अब इसका टर्मिनल चेक कर लिया, ए वन, इसका ए टू, इसका बी वन, इसका ए सी वन, इसका सी टू, इसका बी वन और ये बी। अब इसका संयोजन करना, छह टर्मिनल हो गए आपके पास, एक वाइंडिंग का वन, दूसरी वाइंडिंग का टू, एक फेज निकाल दिया, यहां आपको एक फेज कनेक्ट करना, फर्स्ट वाइंडिंग का टू हो गया, सेकंड वाइंडिंग का वन हो गया, एक फेज यहां निकाल दो, सेकंड वाइंडिंग का वन और थर्ड वाइंडिंग का टू, एक फेज ये हो गया। तो आप कनेक्शन देख लो, आप ए वन बी टू, ए टू सी वन, बी वन सी टू, पहला फेज निकालो, ए वन बी टू, ए वन और बी टू को कर दिया, एक फेज ये निकाल निकल गया। दूसरा देखो, बी वन और सी टू, ये बी वन है, इसको किससे कनेक्ट करना है, सी टू से, एक फेज ये निकल गया। तीसरा क्या है, सी वन ए टू, ये सी वन है और ये ए टू है, इसको कनेक्ट कर लो, ये तीसरा फेज हो, इसमें आर वाई और बी, L1, L2, L3 सप्लाई दे सकते हैं, ठीक है। अब ये स्टार में जुड़ेगी, स्टार में क्यों जोड़ना पड़ता है, क्यों, आउटपुट में अपन सिंगल फेज लेंगे तो आपको न्यूट्रल की आवश्यकता होती, ठीक है। तो इस वाइंडिंग में स्टार कनेक्शन कैसे होगा, जैसे तीन वाइंडिंग है, ए वाइंडिंग, बी वाइंडिंग और सी वाइंडिंग, टर्मिनल टेस्ट कर लिया इनका, ये ए वाइंडिंग हो गई, ये बी हो गई और ये सी, तो ये ए वन, ए टू, बी वन, बी टू, सी वन, सी टू। अब ये है, यहां से न्यूट्रल पॉइंट निकलता है, लेकिन इसमें कंडीशन है कि यहां या तो टू टू मिलाओ या वन वन मिलाओ, या तो वन वन मिला के कर लो,
इनको अलग अलग निकाल लो या टू टू एक जगह कर दो। तो ये बी टू ए टू सी टू कॉमन कर लेना, यहां से निकल जाएगा आपका न्यूट्रल पॉइंट, और ये सी वन ए वन बी वन इससे आप आउटपुट में लोड ले सकते हैं। अब थ्री फेज लेना है तो ए वन बी वन सी वन से ले लो, अगर एक फेज सप्लाई लेनी है तो एक न्यूट्रल और एक फेज, ठीक है। तो आपके पास छह टर्मिनल है, इसका स्टार में कनेक्शन कर दो। अब ये टू टू वाले मिला दिए तो बी ए टू बी टू और सी टू ये तो कर दिया कॉमन। अब एक तो ए वन से निकाल देना सप्लाई का, एक बी वन से और एक सी वन से, ये आउटपुट में आपका लोड ले लेना है तीनों, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर का स्टार कनेक्शन हो गया और ये डेल्टा, ये स्टार और ये डेल्टा, कितने प्रैक्टिकल हो गए? नौ। दसवां प्रैक्टिकल है आपका ट्रांसफार्मर ऑयल टेस्टिंग करना। ऑयल की टेस्टिंग क्यों की जाती है कि ट्रांसफार्मर ऑयल की अचालक क्षमता घट जाती है कुछ नमी के कारण, तो उसकी बीडीवी टेस्ट होता है, ब्रेक डाउन वोल्टेज टेस्ट। ट्रांसफार्मर के ऑयल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आपको चेक करनी है ट्रांसफार्मर ऑयल किट से, ठीक है, वो ऑयल किट में आपको बताएंगे वहां। ये सर्किट उतार लिए ना सारे? हाँ, ये उतार के एक बार ये नो प्रैक्टिकल कर लो, फिर आपको बीडीवी टेस्ट करवाएंगे, ठीक है। साथ में एक होता है ट्रांसफार्मर ऑयल, उसकी टेस्टिंग करना, जिसको बोलते हैं बीडीवी टेस्ट, ब्रेक डाउन वोल्टेज टेस्ट। तो तीन तो वो गए और साथ ही हो गए, टोटल कितने प्रैक्टिकल है? दस प्रैक्टिकल। तो आज अपन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के प्रैक्टिकल करने वाले हैं, जिसमें पहला प्रैक्टिकल रहेगा कि इस ट्रांसफार्मर, जो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, इसमें हाई वोल्टेज वाइंडिंग कौन सी है और लो वोल्टेज कौन सी है। आप इसमें ये रखा हुआ है बता सकते हो? ऐसे प्रैक्टिकल नॉर्मल प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट में पूछते हैं, ठीक है। अब इसमें कोई ज्यादा माथा फोड़ी वाला सिस्टम नहीं है, लेकिन आपको नहीं आता, ठीक है। तो ये ट्रांसफार्मर है, पहले तो ये बताओ कि ट्रांसफार्मर होता क्या है, आपको ये पता होना चाहिए पहले तो कि ट्रांसफार्मर होता क्या है। एसी वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करके एक परिपथ से दूसरे परिपथ में विद्युत सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट या ट्रांसमिशन करना, इसका काम है। ये एक वैद्युतिक युक्ति है, जो एसी वोल्टेज बोल दो या एसी करंट बोल दो, इसको अपन बोलते हैं कॉमन। एसी वैद्युतिक ऊर्जा को स्टेप अप और स्टेप डाउन करके एक परिपथ से दूसरे परिपथ में डिस्ट्रीब्यूट करता ट्रांसफार्मर। अब ये वैद्युतिक युक्ति है, इसकी रेटिंग भी होती होगी, किसमें होती है इसकी रेटिंग? के वी ए में, किलो वोल्ट एम्पियर में। अब ये ट्रांसफार्मर है, इस वोल्टेज को स्टेप अप भी करता है और स्टेप डाउन भी करता है। जो ट्रांसफार्मर कम वोल्टेज को अधिक वोल्टेज में कन्वर्ट करता है तो वो होता है स्टेप अप, ठीक है। जो अधिक को कम में करता है वो होता है स्टेप डाउन। इस ट्रांसफार्मर में कुछ भाग भी होते हैं, जैसे बड़ा ट्रांसफार्मर है वो भाग ही बताएंगे आपको। इसमें जो भाग है, तो ये जो भाग है इसको क्या बोलते हैं अपन? ये है कोर। कोर क्यों लगाई जाती है इसमें? फ्लक्स को रास्ता प्रदान करने के लिए, दूसरी इस पर वाइंडिंग लपेटने के लिए, ठीक है। इस पे वाइंडिंग होती है जो दो होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी वाइंडिंग किसे कहा जाता है? जिसको सप्लाई से कनेक्ट किया जाता है वो प्राइमरी, जिसको लोड से संयोजित किया जाता है वो सेकेंड, ठीक है। स्टेप अप है या स्टेप डाउन आप बता सकते हो? ट्रांसफार्मर स्टेप अप या स्टेप डाउन? नहीं बता सकते, क्योंकि आप इसको स्टेप अप भी कर सकते हैं और स्टेप डाउन भी कर सकते हैं। इसमें वाइंडिंग है, एक हाई वोल्टेज वाइंडिंग रहेगी, एक लो वोल्टेज रहेगी। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है तो सिंगल फेज की रेटिंग कितनी होती है? 230 या 240 वोल्ट। तो एक वाइंडिंग तो इसमें 240 या 230 50 तक रहती है, कि 4-5% टॉलरेंस भी रहता है उसमें, कम ज्यादा भी हो सकता है। तो 250 वोल्ट तक अपन रेटिंग मान सकते हैं उसकी, एक रहेगी 250 वोल्ट की और दूसरी रहेगी 250 वोल्ट से कम की, ठीक है। अब इसमें आपको हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज वाइंडिंग टेस्ट करना है, पहला प्रैक्टिकल है।
तो मल्टीमीटर ले लो, मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस पे सेट कर लेना, ठीक है। दो वाइंडिंग है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। अब इसमें प्राइमरी सेकेंडरी की तो बाद में बात करेंगे कौन सी है, पहले इसमें देखो हाई वोल्टेज कौन सी है और लो वोल्टेज कौन सी। तो पहले इस वाइंडिंग का रेजिस्टेंस माप लेते हैं अपन, कितना आ रहा है इसमें, 28.8 ओम, ठीक है। दूसरी वाइंडिंग है ये 6.3 ओम। जिस वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो वाइंडिंग उच्च वोल्टेज साइड होगी, जिसका कम होगा वो, ठीक है। अब इसकी वोल्टेज रेटिंग निकालनी है कि जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग है ये 250 वोल्टेज तक सहन कर सकती है, जबकि लो वोल्टेज वाइंडिंग क्या रेटिंग में है ये देखना होगा, ठीक है। अब इसकी अपन रेटिंग निकालेंगे, तो इसमें सप्लाई आ रही है कितना लगाओ इसमें, पहले तो इसका वोल्टेज मापो कितना, कितनी सप्लाई आप इसको दे रहे हो, 235 सप्लाई दे रहे हो ना। हाई वोल्टेज वाइंडिंग ये है, इसको सप्लाई से कनेक्ट करो, इसमें लगाओ, एक सौ 39 वोल्टेज इसमें अपने 140 वोल्टेज देंगे, 240 देंगे तो 140 दे देगा, इसमें 250 देंगे तो ये 150 दे देगा, तो 150 तक इसकी रेटिंग है, 250 to 150, ठीक है। रेटिंग का आपको वोल्टेज रेटिंग का पता लग गया, ये इसमें 250 दोगे इधर 150 देगी, इसमें 240 दिया तो इधर 140 देगी, ठीक है। अब इस साइड में आप 140 दोगे तो इधर ये 240 दे देगा, ठीक है। तो आपको स्टेप अप और स्टेप डाउन आपको बनाना है। अगर कम वोल्टेज आपके पास आ रहा है तो हाई वोल्टेज बना सकते हैं, हाई आ रहा है तो उसको कम में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये कौन सा बन रहा है, स्टेप डाउन, भाई 240 अपने पास तो 140 में कन्वर्ट कर दिया, ये होगा स्टेप डाउन। अब आपको पहला प्रैक्टिकल हो गया आपका, पहला प्रैक्टिकल छोटा है प्रैक्टिकल, इसमें यही पूछते हैं कि इसमें हाई वोल्टेज लो वोल्टेज वाइंडिंग कौन सी, पता लगा लोगे कैसे भाई, एक वाइंडिंग के दो वायर इधर निकले हुए, एक इधर निकले हुए, दोनों का दोनों साइड में रेजिस्टेंस माप लो, जिसमें ज्यादा रेजिस्टेंस है वो हाई वोल्टेज, जो कम है वो लो वोल्टेज। अब इसकी ध्रुवता टेस्ट करनी है। अब इसमें मान लेते हैं अपने ये प्राइमरी वाइंडिंग, तो इसको एक को तो मान लेना आपको P1, तो इसके साथ वाला क्या हो जाएगा P2। प्राइमरी का तो हमने मान लिया, लेकिन सेकेंडरी का आपको टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। टेस्ट करने की विधि क्या है कि एक तो प्राइमरी और एक सेकेंडरी दोनों के सिरों को क्या करना आपको, शॉर्ट करना। अब एक प्राइमरी एक सेकेंडरी का बच गया, इन दोनों के बीच में आपको वोल्ट मीटर लगाना है, ठीक है। दो वायर दो मेरे को, वायर स्टिपर भी ले आओ। एक तो देखो प्राइमरी और एक सेकेंडरी के टर्मिनलों को आपस में कर देना 100, ठीक है। अब आपके पास एक प्राइमरी का बच गया और एक सेकेंडरी का बच गया। अब एक तो ये शॉर्ट कर दिया, यहां से वायर निकाल लो, और एक प्राइमरी से, आप सेकेंडरी से निकाल सकते हो, लेकिन प्राइमरी की रेटिंग है 250 वोल्ट तक, अपने पास 240 के समथिंग आ रहा है वोल्टेज, तो इसमें 240 देना है, 240 वाली में 240, 150 वाली में 150। तो अब 150 अपने ऑटो ट्रांसफार्मर से कम को ज्यादा को कम करेंगे, फिर इसको 150 देंगे, तो अपने पास 240 सारी 240 की वाइंडिंग है, तो इसमें अपन क्या देंगे, 240 वाली वाइंडिंग में सप्लाई दे दें।
दोनों वाइंडिंग से एक एक वायर को कॉमन कर देना, एक वायर निकाल लेना इधर। इसमें दोनों वाइंडिंग में क्या लगाना आपको, वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया इसमें, जुड़ गया दो को तो कॉमन कर दिया, दो में वोल्ट मीटर जोड़ दिया। अब जो प्राइमरी वाइंडिंग है, हाई वोल्टेज वाइंडिंग है, इसमें अपन इसकी रेटिंग का वोल्टेज देंगे, ठीक है, 240 वोल्टेज है इसका वाइंडिंग, इसमें 235 के समथिंग वोल्टेज आ रहा है अपने पास। अब वोल्ट मीटर में देखना कितना वोल्टेज आ रहा है, 374 आ रहा है, दे रहे इसमें 235 और आ रहा है 374, तो वोल्टेज बढ़ रहा है, अप हो रहा है ना। अप का मतलब क्या हो गया, हमेशा दोनों वाइंडिंग का वोल्टेज क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, तो जुड़ने का मतलब दोनों सिरे अपोजिट है, ठीक है। आपको बताया था कि कोई भी दो सेल अपन जोड़ते हैं सीरीज में तो वोल्टेज का मान बढ़ता है, लेकिन सीरीज में जोड़ने का तरीका क्या है कि एक सेल का नेगेटिव दूसरी सेल का पॉजिटिव तो जोड़ देते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव बाहर निकलता है, तो इसमें इस प्राइमरी का इसको 2 मानते हो तो इसका क्या हो गया, ये 1 हो गया। अगर इसको 1 मानोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो प्राइमरी का P1 इसको मान लिया तो ये अपन मान रहे P2, तो इसके साथ कौन सा सिरा जुड़ गया, S1, ठीक है, तो विपरीत सिरा हो गया ना, ये P2 है तो ये S1 हो, ठीक है। अगर हटाओ, अब ये P2 है, इसके साथ अपन S2 देखेंगे कि S2 है कि नहीं, S2 का मतलब ये इसका वोल्टेज का मान घट जाएगा, जो वोल्टेज दे रहे हो आप ये घट कम हो जाएगा। अब ये तो हो गया 1, अब ये 2 के साथ 2 जुड़ गया, अब हो जाएगा कम इसमें, लगाओ 96 आ गया ना वोल्टेज, कम हो गया, कम होने का मतलब ये समान सिरे हो, पोलरिटी टेस्ट हो गई ना। अब देखो दो छोटे ट्रांसफार्मर ले आओ, हटाओ इसको, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, देखो मैं और समझा देता हूं आपको। ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी, ये हाई वोल्टेज है और ये लो वोल्टेज, लो वोल्टेज में कम टर्न है, रेजिस्टेंस भी कम रहेगा, हाई वोल्टेज में टर्न संख्या अधिक है तो नहीं। अब इसमें रेजिस्टेंस चेक करके तो आपको हाई वोल्टेज लो वोल्टेज वाइंडिंग का पता लगा लेना है। दूसरी बात, इसकी पोलरिटी टेस्ट करना हो तो इसका मान लेते हैं प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी, तो प्राइमरी और सेकेंडरी का एक एक सिरा तो क्या कर देना आपको, शॉर्ट कर देना, एक एक सिरा जो बच गया इसमें आपको लगाना है वोल्ट, वोल्ट। अब इसकी रेटिंग है 250, इसकी है 150, इसमें अपन देंगे 235, तो इसमें आ जाएगा 135, स्टेप डाउन करेगा। अब आपके पास 235 वोल्टेज आ रहा है तो 235 आप दे सकते हो, इसमें 250 वोल्टेज तक दे सकते हो। अगर आपके पास 150 है या 135 है तो ये इस साइड, जिस साइड की रेटिंग 150 है उसी साइड में 150 देना है, जिस साइड की 250 है 250 जी, आ गई ना बात समझ में, इससे ज्यादा नहीं देना है। कभी 150 वाली वाइंडिंग में 240 दे दो आप तो ये जल जाएगी, ठीक है। अब देखो ये वाइंडिंग को अपन 240 वोल्टेज दिया और इस वाइंडिंग में 140 वोल्टेज हो गया, डाउन हो गया, तो अगर ये सिरे विपरीत हैं तो 240 प्लस 140 हो जाए, कितने हो गए, 380, ठीक है। अगर ये सेम सिरे हैं तो 240 माइनस 140 हो जाएंगे, कितना हो जाएगा,
तो कम हो गया ना, इसमें बढ़ रहा है और इसमें कम रहा है। कम किस में हुआ? सम्मान में। और ज्यादा किस में हुआ? असम्मान। इतनी बात समझ में। सम्मान और असम्मान का मतलब क्या हुआ कि आपके पास मान लो कि एक सेल है 5 वोल्ट का, इसके साथ दूसरा आप सेल सीरीज में जोड़ेंगे तो इसका जो माइनस टर्मिनल है, इसका ये प्लस टर्मिनल है, तो माइनस टर्मिनल के साथ प्लस टर्मिनल जोड़ेंगे अपन और ये माइनस हो गया। अब इसका वोल्टेज मान कितना हो जाएगा भाई? 5 का ये और 5 का ये, तो कितना हो गया? 10 वोल्ट। अगर मैं इस सेल को दोनों सिरे नेगेटिव नेगेटिव मिला दूंगा तो क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। मान लो कि ये 15 वोल्ट का है और ये 5 वोल्ट का है, तो कितना बच गया? 10 वोल्ट। ये कॉन्सेप्ट लगता है। आगे बात समझ। अब पोलरिटी टेस्ट हो गई। अब ऐसे ही इस पोलरिटी टेस्ट का उपयोग क्या है, क्यों करते हैं पोलरिटी टेस्ट? क्योंकि कई बार क्या होता है कि कम रेटिंग के ट्रांसफार्मर आपके पास रहते हैं और दो ट्रांसफार्मरों को जोड़कर उच्च लोड चालू करते हैं अपन कोई भी। अब मान ले कि आपके पास 2 किलोवाट का लोड हो गया, आपके पास ट्रांसफार्मर 1 केवीए का, ये 2 का तो ये सहन नहीं कर पाएगा, तो क्या करना पड़ेगा आपको? 2 केवीए का ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा। अब 2 केवीए का आपके पास ट्रांसफार्मर नहीं है तो 1 केवीए के 2 है तो उसका पैरेलल संयोजन करके आप 2 केवी बना सकते। तो पैरेलल आप संयोजन करोगे तो उसमें 3 शर्तें हैं कि एक तो उसमें जो वोल्टेज है वो समान होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी समान होनी चाहिए, दूसरी बात उसकी पोलरिटी समान होनी चाहिए, एक होती है फेज क्रम। फेज क्रम और पोलरिटी एक ही बात होती है, ठीक है, जिसको पोलरिटी बोल दो या फेज क्रम बोल दो। फ्रीक्वेंसी है तो दोनों का आप वोल्टेज समान दोगे तो फ्रीक्वेंसी समान रहेगी। एक तीसरा पॉइंट होता है कि इसमें रेटिंग समान होनी चाहिए, इसकी केवीए रेटिंग समान होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 2 केवी का लोड लगा दिया, 2 केवी के लिए एक तो 1.5 केवीए का ले लिया और 1.5 का ले लिया, तो वो क्या है कि 2 केवीए का दोनों ट्रांसफार्मर ऊपर भी लोड आएगा तो 1 केवी का दोनों पे डिवाइड हो जाएगा, लेकिन एक तो डेढ़ का है ये तो भारी रहेगा और 1.5 केवीए का तो वो क्या होगा? जल जाएगा। तो दोनों की केवीए क्षमता भी समान होनी चाहिए, दोनों के फेज क्रम समान होनी चाहिए और वोल्टेज फ्रीक्वेंसी समान। 3 शर्तें, तो 3 शर्तों में वोल्टेज जो देंगे अपन वो तो फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज समान ही रहेगा, साथ में देना सबको। एक है इसकी केवीए रेटिंग, ये समान प्लस फेज क्रम समान, ठीक है, ये देखना। अब देखो आपके पास 2 ट्रांसफार्मर है, ये 2 ट्रांसफार्मर ले लेते हैं, दोनों की रेटिंग समान है इसमें, है ना, 230 और 500 मिली एम्पियर। इसकी 230 500 मिली एम्पियर का ले लो एक, ये है 230 और 500 मिली, दोनों की सेम रेटिंग है, 2 ट्रांसफार्मर ले लिया, इनका पैरेलल संयोजन करना है। पैरेलल संयोजन करने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा? पोलरिटी टेस्ट। दोनों का पैरेलल संयोजन करने से केवल इसकी करंट रेटिंग है ना वो ही बढ़ती, दोनों की वोल्टेज सेम रहेगी, 230 है तो 230 ही रहेगा वोल्टेज, इधर इसमें 150 है तो 150 ही रहेगी, लेकिन इसकी मान लो कि 500 मिली एम्पियर करंट क्षमता है और इसकी 500 मिली एम्पियर करंट क्षमता, तो ये क्या हो जाएगी? 1 एम्पियर हो जाएगी, ठीक है। अगर वोल्टेज का मान बढ़ाना हो तो आपको सरणी संयोजन करना पड़ेगा, वो भी मैं बताऊंगा आपको। अब इसको तो हटाओ, अब आपके पास 2 ट्रांसफार्मर है, छोटे ट्रांसफार्मर, आपका प्रैक्टिकल है इनका पैरेलल संयोजन करना। पैरेलल संयोजन करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? पोलरिटी टेस्ट। तो इसमें प्राइमरी वाइंडिंग भी है और सेकेंडरी वाइंडिंग भी है, ये सेंटर टेप ट्रांसफार्मर है, हाँ, ये टेपिंग का अपने को कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब पहले तो इसका P1, P2, S1, S2 और ये देखना है ना। अब देख लिए, इसका मान लेते हैं अपन P1 ये हो गया और P2 ये हो, इसके साथ वाला S2 हो गया और ये S1 हो गया, ये भी मान लेते हैं P1, P2, S2
ऐसे। अब देखो P1 को P1 से मिला दो और P2 को P2 से, एक तो P2 से निकाल लो और एक P1 से, इसको तो दे दो 230 40 वोल्टेज AC से, ठीक है। अब इसका S1 से S1 मिला दो, S2 से S2 समान सिरा, S2 निकाल दिया, S1 से निकाल दिया, यहां से आपको आउटपुट मिलेगा ये लोड, ठीक है। तो ये दो ट्रांसफार्मर है, यहाँ टेप ली होगी, PVC टेप बोले क्या, अब ये पहले तो इनकी वाइंडिंग टेस्ट करो कि ये ट्रांसफार्मर सही है कि नहीं है। अगर वाइंडिंग में रेजिस्टेंस का मान दर्शाएगा तो आपका ट्रांसफार्मर सही है। अब ये ट्रांसफार्मर है, इसमें नहीं आ रहा ना रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस इस स्थिति में ना आए तो किलो ओम में करके देख लेना है ना, कई बार क्या होता है किलो ओम में नहीं रहता तभी ये दर्शाता नहीं, छोड़ दे, दिख रहे होंगे। अब इसमें देखो 1 पॉइंट, हाँ 1 किलो ओम के समथिंग, इसमें ना ना मेगा 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 ज्यादा, इसमें 16 ओम आ रहा है, मेगम ले रहे की बात है। ये ले गया हूँ, एक पॉइंट 4 किलो, इसमें 16 17 आ रहा है ना, 16। ये ट्रांसफार्मर सही है, इसमें गड़बड़ है, इसकी जगह दूसरा ट्रांसफार्मर लो। पंद्रह 16 आ गया, सही है 1.4। ये दोनों ट्रांसफार्मर की रेटिंग सही है। अब देखो इनमें थोड़ा वायर बड़े जोड़ देते हैं अपना ना, ये
समझ में आ रही है क्या? अरे अरे समझ में आ रही है क्या? कितनी है? एक परसेंट आ रही है? 70-80 आ रही है ना? अब देखो आपके पास दो ट्रांसफार्मर हैं, दोनों की पहले तो पोलरिटी टेस्ट करनी है। पोलरिटी टेस्ट के लिए आपको एक प्राइमरी का और एक सेकेंडरी का टर्मिनल को करना है शॉर्ट। एक तो सप्लाई यहां देनी है आपको, पकड़ो इसको, ये दो वायर बच गए, इनमें लगाना है वोल्ट मीटर, ठीक है। अब इसकी प्राइमरी जो उच्च वोल्टेज वाइंडिंग है इसमें आपको क्या देना है? सप्लाई। सप्लाई का अगर आप सप्लाई दे रहे हो उसे ज्यादा मान बढ़ रहा है, इसमें क्या आ रहा है? कम आ रहा है। कम का मतलब है समान सिरे, और ज्यादा का मतलब है ऐसा। पहले तो इसका वोल्टेज मापो कितना आ रहा है, जितना वोल्टेज आप दे रहे हो 196 वोल्टेज आ रहा है, है ना? 96 आ रहा है, और आ रहा है कितना? 208 बढ़ रहा है, बढ़ने का मतलब है समान सिरे। तो इसका ये P1 है तो ये क्या होगा? इसका S2 विपरीत है ना, तो विपरीत के हिसाब से मिला लेना। एक ट्रांसफार्मर का तो हो गया टेस्ट, दूसरा और मिलाओ इसका भी, प्राइमरी का और सेकेंडरी का कॉमन कर दो, और प्राइमरी और सेकेंडरी का जो एक और बच गया आपका इसमें लगा दो वोल्ट मीटर। लगाओ, दो सौ अठारह इसमें भी, ये भी विपरीत है, ठीक है। अब आपको बदल दिखा दिया ना, भी मैं हैं 196 वोल्टेज दे रहे हैं, 208 दिखा रहा है, बढ़ रहा है वोल्टेज कम है ना। ये दो ट्रांसफार्मर हो गए, इसका जो फेस्ट फेस्ट टर्मिनल है ये तो हमने मान लिया P1 और P1, दोनों ट्रांसफार्मर के P1 एक जगह कर दो, P2 एक जगह। मिला दिया, सेकेंडरी का S2 और S2 एक जगह पर कर दो, और S1 एक जगह। अब इसकी प्राइमरी वाइंडिंग की वोल्टेज रेटिंग है 250 वोल्ट तक दे रहे हैं 196 वोल्टेज, सेकेंडरी की 12-13 वोल्ट, ठीक है। तो उस साइड से वोल्टेज दो, सेकेंडरी का वोल्टेज माप लो। केवल वोल्टेज नहीं, इसमें करंट का मान बढ़ गया, करंट रेटिंग बढ़ गई इन दोनों। कितना आ रहा है? 12 वोल्ट, 12, एक ट्रांसफार्मर रेटिंग 12 वोल्ट, ठीक है। एक की 12 है 606, तो 6 6 12, दोनों में 12 वोल्टेज आएगा एक ट्रांसफार्मर के दोनों वायर के बीच में, 12 इसका और 12 इसका। अगर सीरीज में जोड़ोगे तो 24 हो जाएगा, नहीं ये पैरेलल में है तो 12 ही रहेगा, ठीक है। तो ये वोल्टेज समान है तो 12 वोल्टेज आ गया इसका। ये तो हो गया आपका पैरेलल, हाँ एम्पियर। तो लोड लगा सकते हैं आप इसकी रेटिंग, है ना, लोड लगाओगे तभी आएगा इसमें एम्पियर, वैसे नहीं पता लगेगा। अब इसका सीरीज कनेक्शन करना है आपको, तो सीरीज के लिए एक 1 होगा तो दूसरा 2 होगा, तो ये फर्स्ट वाला तो हो गया 2 और सेकंड वाला हो गया 1, ये 2 इसका 2, तो इसके 1 से मिला देता हूं, हो गया क्या सीरीज कनेक्शन? केवल आपको सेकेंडरी की वाइंडिंग जोड़नी है सीरीज में, ठीक है। प्राइमरी में तो आपका वोल्टेज आ रहा है, उसको ही तो बढ़ाना है भाई, 230 या 196 आ रहा है आपके पास, अब 196, अब 24 वोल्टेज आ रहा है, तो आपको सेकेंडरी का ही बढ़ाना है। लगाओ,
सीरीज में वो तो ज्यादा वोल्टेज उस साइड में, वो दोनों डायग्राम बताए हुए हैं आपको। आ गया 24 12 प्लस, ये हो गया आपका सरणी से हटाओ। अब इसका हटाई नहीं, देखो पैरेलल संयोजन तो आपको पता ही होगा, दो ट्रांसफार्मर है, ठीक है। ये हो गया इसका P1, ये हो गया P2, इसके विपरीत सी रहा था S2 और S1, P1 P2 S2 S, पैरेलल में क्या हो गया 2 2, एक मिला दिया 2 मिल गया ना, ये 1 हो, ठीक है इसमें लगा देते हैं, ये S1 और ये S1, तो एक तो 2 से निकाल दो और एक 1 से निकाल दो, ये तो आउटपुट हो गया। इसका P1, P1 से मिला दो, P2, P2 से मिला दो, एक P1 में दे दो और एक P2 में दे दो, इनपुट आउट। अब इसका ये तो हो गया समांतर संयोजन, अब इसका सरेणी, दो ट्रांसफार्मर है, ये प्राइमरी वाइंडिंग रही है सेकेंडरी, ये P1 P2 S2 S1, P1 P2 S2 S1, P1 से P2 से P2 मिला। अब इसका सीरीज कनेक्शन तो एक का S1 है दूसरा S2, तो एक तो 2 हो गया और एक 1। अब 12 वोल्ट इसकी रेटिंग है, 12 वोल्ट इसकी रेटिंग है, तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। नहीं सीरीज में कर सकते हैं, लेकिन इस सीरीज में करोगे तो वही 12 वोल्ट आएगा उसमें, इसको सीरीज में कर दोगे, आपके पास मान लो कि 200 वोल्टेज है, तो ये 100 वोल्टेज डिवाइड हो जाएंगे, इसकी 12 वोल्टेज रेटिंग है तो ये 6 वोल्टेज हो जाएगी, आपको मिलेगा वही 12 वोल्ट, आपको तो बढ़ाना है 12 से, तो आपको सेकेंडरी को ही सीरीज में करना, ठीक है। कहने का मतलब इसको सीरीज में करोगे तो इसमें पहले 200 दे रहे तो 400 दोगे ना, तब 12 आएगा, ठीक है। आपके पास है ही 200 और उसको 24 करना है, तो आपको सेकेंडरी को ही सीरीज में करना, आगे के बाद समझ, ठीक। कितना प्रैक्टिकल होगा, 4 हो, एक तो होगा उच्च वोल्टेज हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज निम्न वोल्टेज, उच्च और निम्न वाइंडिंग टेस्ट करना है, वोल्टेज वाइंडिंग टेस्ट। दूसरा हो गया फेज क्रम ध्रुवता परीक्षण, फेज क्रम जांच। तीसरा हो गया दो ट्रांसफार्मर का समांतर संयोजन, चार नंबर हो गया दो ट्रांसफार्मरों का सरणी संयोजन, अब पांचवा है ट्रांसफार्मर का ओपन सर्किट टेस्ट, और छह नंबर है ट्रांसफार्मर का शॉर्ट सर्किट टेस्ट, एक हो गया इसका वोल्टेज रेगुलेशन, इंसुलेशन तो दो ट्रांसफार्मर के बीच में, दोनों वाइंडिंग के बीच में रेजिस्टेंस होना चाहिए मेगा ओम, और ये हो गई आपकी दक्षता, ठीक है। ये सिंगल फेज का है, थ्री फेज के अंदर स्टार कनेक्शन ट्रांसफार्मर की, डेल्टा कनेक्शन और बी डी वी एच, कहें चालू करो दे, ठीक है। अब देखो ओपन सर्किट टेस्ट देख लो एक बार, ओपन सर्किट टेस्ट क्यों किया जाता है ट्रांसफार्मर में
एयर कॉपी दूसरी जरे हाँ हैं इन पैर निकल जाए ओपन सर्किट टेस्ट क्यों किया जाता है लोहा हानि आयरन लॉस ज्ञात करने की आयरन लॉस हमेशा फिक्स लॉस होता है ये जो होगा वो फिक्स होगा चाहे ट्रांसफार्मर नो लोड स्थिति में हो चाहे फुल लोड ठीक है इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा ट्रांसफार्मर लेना है और ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग रहेंगी प्राइमरी और निम्न वोल्टेज और हाई वोल्टेज निम्न वोल्टेज वाइंडिंग होती है अपने पास जो ट्रांसफार्मर है ये है 200-250 to 150 रेटिंग का निम्न वोल्टेज वाइंडिंग की रेटिंग कितनी है 150 वोल्टेज उच्च वाइंडिंग की 250 हाई वोल्टेज लो वोल्टेज वोल्टेज वाइंडिंग टेस्ट करके लो वोल्टेज वाइंडिंग में जितनी इसकी रेटिंग है उतना वोल्टेज देना है ठीक है और हाई वोल्टेज वाइंडिंग को क्या करना है ओपन रखना है इसमें किसी प्रकार का कोई लोड नहीं लगा ये 150 की है लो वोल्टेज वाइंडिंग तो इसमें 150 वोल्टेज आपको देना है 150 वोल्ट एसी सप्लाई ऑटो ट्रांसफार्मर से 250 वोल्टेज आ रहे हैं तो उसको कम कर लो 150 देना है। अब इसका लॉस ज्ञात करने के लिए इस प्रीपंद में लगाना है आपको एक तो वाट मीटर और एक लगाना है एमीटर और एक लगाना है वोल्ट वोल्ट मीटर क्या मेजर करेगा वोल्टेज एमीटर क्या करेगा करंट वाट मीटर क्या करेगा पावर ठीक है ये जो पावर दर्शाएगा ये ही लॉस रहेगा ठीक है पावर कब होती है V इंटू I अब वोल्टेज तो अपन दे रहे हैं लेकिन करंट तो नो लोड है तो इसमें करंट तो जाना नहीं चाहिए लेकिन इसके अंदर कुछ ना कुछ करंट फ्लो होता है वही क्या होता है लॉस होता है तो ये जो वाट मीटर है इस परिपथ की पावर दर्शाएगा नो लोड स्थिति के अंदर इसमें मान लो कि 10 वाट का लोड पावर आ गया तो ये क्या है आपका आयरन लॉस ठीक है मान लो कि आपका मीटर उच्च रेंज का है आप सही से देख नहीं पा रहे कितना लॉस है तो आपके पास एमीटर है और वोल्ट मीटर पावर ज्ञात करने के लिए वी आई इंटू कॉस फाई ठीक है ये कोस फाई और ऐड कर लेना जितना वोल्टेज आप दे रहे हो वोल्टेज कितना है 150 करंट मान लो 0.5 आ गई इनटू कोस फाई का मान आता है 0.9 से ऊपर आता है 9.5 क्यों हाँ 0.8 और 0.9 ही होता है कौन कहता है ये बात कहाँ पढ़ा था 0.8-0.9 लगा लेना आप क्योंकि इंडक्टिव लोड है इंडक्टिव लोड का पावर फैक्टर 0.8-0.9 के बीच में ठीक है रजिस्टिव होता है यूनिटी पावर फैक्टर रहता है कैपेसिटी और लीडिंग पावर फैक्टर तो 0.9-0.8 के समथिंग लगा के आप इसका पावर निकाल लें ठीक है तो अब ट्रांसफार्मर है अपने पास ये ट्रांसफार्मर ले आओ एक ऑटो ट्रांसफार्मर ले आओ एक वाट मीटर है वाट मीटर का कनेक्शन करना आता है क्या आपको आता है बता देंगे आपको चलो Thank you.
लीला जी देख, एक तो कहते चाय, हाँ वर्क कर रहे हैं क्या किया कर वर्क किया बस करने से सिस्टम टाइम से बैठ जाता सारी साइंस ही साइंस कौन चाल है ना होम साइंस भी जरूरी है ना साइंस फेल हो जाए झाड़ा फूक्स हो जाए काम कौन हो गया हैं देखो ये है ट्रांसफार्मर, इसमें आपको पहले देखना है इसकी हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग में सप्लाई दोगे? लो वोल्टेज वाइंडिंग में। लो वोल्टेज वाइंडिंग की वोल्टेज रेटिंग क्षमता कितनी है? ये 6 ओम वाली है, 28 ओम वाली है, तो 6 ओम वाली जो वाइंडिंग होती है ये लो वोल्टेज होगी और ये हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज वाइंडिंग को आपको ओपन रखना है ओपन सर्किट टेस्ट में। ये है लो वोल्टेज, लो वोल्टेज वाइंडिंग को 150 वोल्टेज ऑटो ट्रांसफार्मर से इसको देना, 250 वोल्टेज मत देना नहीं जल जाएगी, ठीक है। अब इसको 150 वोल्टेज पे सेट करो पहले तो ऑटो ट्रांसफार्मर को सप्लाई में लगाओ, हाँ तो वो वापिस कर ले क्यों। डेढ़ सौ वोल्टेज पे कर दे फिक्स, डर क्यों आंगली करेगा, घुमा दे और घुमा दे को दर्द हो रही, चल बंद सही, ठीक है। 150 पे सेट हो गया, अब लिया वाट मीटर, एक वाट मीटर ले आओ, एमीटर वोल्ट मीटर तो या मल्टीमीटर ये लगा लेंगे, इसमें सही आएगा मान। अब देखो आपको करंट मापना है, तो करंट मापने के लिए आपको क्या है, ये मल्टीमीटर को करंट रेंज पे सेट कर, मिली एम्पियर, ठीक है। इसको लगाना है सीरीज में, ये सीरीज में लगा देते हैं इसको, ठीक है। अब ये वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर को लगा देना समांतर में, इनको एक जगह कर लो आप, दोनों मल्टीमीटर लगा देंगे, एक करंट माप देगा एक वोल्टेज माप देगा। ये फेज वायर ले लिया, फेज वायर किस किस को दे दिया, एक तो वोल्टमीटर को और एक एमीटर को, एमीटर से
ये फेज वायर गया, फेज वायर निकल गए डायरेक्ट, ये सीरीज में जुड़ गया और ये पैरेलल में जुड़ेंगे, ठीक है। मुकड़ेगा वायर इसको, लमन दे दिया मैं बता भी दिया ठीक लिए क्यों परेशान हो। हो गया, अब इसको दे देंगे अपने एक न्यूट्रल वायर, ठीक है। एमीटर और वोल्टमीटर को सप्लाई गई, ये एमीटर का वायर है, इसके बीच में एक और वो जोड़ दो वाटमीटर, ये आपका वाटमीटर है। अब इसकी रेंज 0 से 1000 वाट तक है। अब इस ट्रांसफार्मर में ज्यादा से ज्यादा 2-3 वाट 4 वाट के लगभग लॉस होगा, तो इसमें तो आप पता नहीं लगा सकते, लेकिन सर्किट में आपको जोड़ना है, ठीक है। सर्किट में जोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये एम एल सी वी 4 टर्मिनल है, ठीक है। एम एल सी और वी, एम और एल सी और वी, इनको चेक करना आपको है ना, जिसमें कंटिन्यूटी आए वो तो करंट कॉइल के हो जाएंगे, जिसमें कंटिन्यूटी नहीं आए वो प्रेशर कॉइल के हो जाएंगे। तो इसमें करंट कॉइल का कौन सा है, एम और सी, एम और सी दोनों को कॉमन करना है। एम एक करंट कॉइल का है, एक प्रेशर कॉइल का है, ठीक है। सर्किट दे मेरे को, पेन का रख दिया हूं। आप पे वाट मीटर का कनेक्शन करते हैं, वाट मीटर के अंदर एक तो होती है करंट कॉइल, जिसमें टर्न कम होते हैं, वायर मोटा होता है, ये तो करंट कॉइल हो गई, जिसको बोलते हैं अपन सीसी। एक होती है प्रेशर कॉइल, इसको बोलते हैं पीसी, ठीक है। तो इसमें एम और सी को कॉमन किया जाता है, ये हो गया एम एल सी और वी, ठीक है। एम और एल तो हो गए करंट कॉइल के, और सी और वी हो गए प्रेशर कॉइल। तो एम और सी को तो कर देना कॉमन, एल से सप्लाई निकालनी है और वी को न्यूट्रल से कनेक्ट करना। ये सर्किट है, ये फेज हो गया, ये न्यूट्रल। आगे ये बात समझ, दो कॉइल है, एक करंट कॉइल और एक प्रेशर कॉइल। करंट कॉइल को बोलते हैं सी सी, प्रेशर कॉइल हो गई एक पीसी। इसको एम एल सी और वी, सी वी एम का मतलब मेन, एल का मतलब लाइन, सी का मतलब कॉमन, वी का मतलब वोल्टेज, मेन लाइन कॉमन वोल्टेज, ठीक है। अब इसमें जोड़ना आपको एक करंट कॉइल और एक प्रेशर कॉइल का सिरा, दोनों को कॉमन कर देना, इसमें फेज दे देना। एल से फेज निकालना है और ये वी है, इसको न्यूट्रल में जोड़ देना है। ये जुड़ गया वाट मीटर आपका, तो इसमें भी यही 4 टर्मिनल है, ये एम और एल, ये तो करंट कॉइल गए, सी और वी प्रेशर कॉइल गए, तो एम और सी ने कॉमन कर देना। तो कंटिन्यूटी देख लियो, दो में कंटिन्यूटी आएगी, दो में कंटिन्यूटी नहीं आएगी, रेजिस्टेंस आएगा किलो ओम में, 15-16 किलो ओम के लगभग आएगा, ठीक है। तो एक करंट का कॉइल का ले लेना और एक प्रेशर कॉइल का ले लेना, उसमें कॉमन करके फेज दे देना, और जो करंट कॉइल का सिरा रहे उसे तो निकाल लेना फेज, और जो प्रेशर कॉइल का उसको न्यूट्रल से जोड़ दे, चाहे इस पे कुछ भी नहीं लिखा हो, ठीक है। उसे क्या मतलब आप हैं, ओके यो वायरी स्टेपर कौन लीन जाए हो, एम और सी कॉमन होगा, इसमें फेज दे दिया, एल वाले से निकालना है,
इसको निकाल कर यहां कर दोगे लोड में, लोड ठीक है। अब ये वी वाला टर्मिनल बच गया, इससे एक वायर निकालो और इसको कहां जोड़ना है, न्यूट्रल से जोड़। एक न्यूट्रल वायर अपने यहां भी निकाल रहे थे, इसको भी यहां कनेक्ट कर दो न्यूट्रल से। ये इसमें कर रहा है सालों में नहीं। अभी वाट मीटर भी जुड़ गया आपका ना, वोल्ट मीटर भी जुड़ गया, वाट मीटर भी जुड़ गया और एमीटर भी जुड़ गया। अब सप्लाई से कनेक्ट। अब इसमें देखो आप 147 वोल्टेज दे रहे हो, इसको मैं कर देता हूं 150, ठीक है। इसमें करंट कितना आ रहा है, 52 मिली एम्पियर आ रहा है, ठीक है। अब इसमें वाट वाट का तो पता नहीं लग रहा है क्योंकि उस रेंज का है, ठीक है। तो करंट कितना आ रहा है, 52 मिली एम्पियर, और वोल्टेज कितना है, 150 वोल्ट। तो पावर निकालना है तो V इंटू I 150 इंटू 52 है इंटू, हाँ भाग लास्ट में दे देंगे ये 0.9, ठीक है, भाग लगा देना इसमें एक, ठीक है, लगाओ 7.7 वाट, 7 वाट का ये लोड है आपका, सही आ रही होगी, सही है, है? पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर ऐड करना पड़ता है एसी में पावर निकालोगे तब, ठीक है। कितना वाट का आ गया, ये आपका आयरन लॉस है 7 वाट का। अब इस ट्रांसफार्मर पे अपन लोड लगाए नहीं लगाए इसे कोई मतलब नहीं, ये लॉस तो रहेगा इसके अंदर, ठीक है। अब अगला जो लॉस है वो निकालेंगे इसका कॉपर, कॉपर लॉस। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट सर्किट टेस्ट करना पड़ेगा। शॉर्ट सर्किट टेस्ट हमेशा उच्च वोल्टेज वाइंडिंग में सप्लाई देना है, निम्न वोल्टेज को शॉर्ट करना, ठीक है। हाँ कर दे भाई म्यूट। नहीं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट के अंदर कॉपर लॉस ज्ञात होता है। अब देखो आपको क्या करना पड़ेगा, केवल इसकी वाइंडिंग चेंज करनी है। खोलो यहां से इसको, ओपन करा दिया, करा दिया,
शॉर्ट सर्किट टेस्ट के अंदर, अरे आवाज नहीं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट के अंदर आपको लो वोल्टेज वाइंडिंग है उसको शॉर्ट करना है, हाई वोल्टेज वाइंडिंग है उस वाइंडिंग की वोल्टेज रेटिंग का 5% वोल्टेज देना है। इसकी वाइंडिंग चेंज कर दो, अब ये तो हो गई इसकी शॉर्ट, लो वोल्टेज वाइंडिंग इसको कर दो शॉर्ट, ये है हाई वोल्टेज वाइंडिंग। हाई वोल्टेज वाइंडिंग की तरफ आपको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगा देने हैं, ठीक है। अब इसमें अपन 150 वोल्टेज की वाइंडिंग थी, 150 वोल्टेज दे दिया लो वोल्टेज में, लेकिन हाई वोल्टेज में जो वोल्टेज दोगे आप इस वाइंडिंग का 5% ही देना है, ठीक है। 250 वोल्टेज रेटिंग है तो इसमें कितना आ गया 12, 12.5 वोल्टेज, इसमें 15 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज नहीं देना है, ठीक है। हाँ लगाओ 15, 12.5 चालू करो, अब इसको छोड़ो, चलो पंद्रह वोल्ट तक इसमें दे दो, है ना। ये आपका वोल्टेज तो हो गया 15, वोल्टेज कितना दिया इसमें 15 वोल्ट, करंट कितना ले रहा है 306 मिली एम्पियर, पावर निकाल लो इसका 15 × 306 × 0.9/1000 कितना आ गया 0.9 cos phi ऐड करनी पड़ेगी, तीन सौ छह मिली एम्पियर, चार पॉइंट एक वाट, ये आपका कॉपर लॉस, ठीक है। अरे वोल्ट मीटर ही बना रखा है इसको और क्या बना रहा है वो, हाँ वो बिल्कुल लगाना ही वही, ये तुम हाँ मान ये दे रखा अपने पास, एक्यूरेट मान आ गया, कम मान है, ठीक है। कोई जरूरत नहीं, मल्टीमीटर मिले वो दे देना, है ना। अब मिली एम्पियर देगा नहीं देगा वो तो आप वहां का सिस्टम देख लेना, आपके पास मल्टीमीटर हो तो मल्टीमीटर में, वोल्ट मीटर में तो वो टर्मिनल रहते हैं दो दो, लगा देना उसमें, है डिजिटल दे दो डिजिटल लगा देना। तो ये 4 वाट तो आ गया आपका कॉपर लॉस, 7 वाट आ गया आपका, इसमें टोटल लॉस कितना आ रहा है 11 वाट, ठीक है। अब आगे प्रैक्टिकल आपका ट्रांसफार्मर वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है। वोल्टेज रेगुलेशन कैसे ज्ञात करते हैं अपन, नो लोड माइनस फुल लोड बटा फुल लोड, वी एन एल
माइनस वी एफ एल बटा वी एफ एल। वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, प्रतिशत के लिए आपको इंटू 100 करना पड़ेगा। अब नो लोड वोल्टेज फुल लोड वोल्टेज बटा फुल लोड। नो लोड वोल्टेज कौन सा होगा इसमें, जो वोल्टेज इसकी बिना लोड लगाए अपन मापेंगे वो तो नो लोड, इस पे कुछ लोड लगा देंगे तो थोड़ा वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। हमेशा नो लोड वोल्टेज ज्यादा रहेगा, फुल लोड वोल्टेज कम रहेगा। अब मान लेते हैं अपने ये ट्रांसफार्मर 1 KVA का, ठीक है। अब इस पर 1 KVA का लोड लगाना है, 1 KVA का लोड लगा देना है। लोड लगाकर वोल्टेज मापना है, लोड लगाने से पहले वोल्टेज मापना है। पहले जो वोल्टेज मापोगे लोड से पहले वो तो हो जाएगा VNL, लोड लगाने के बाद जो मापेगा जाएगा वो VFL और इनटू कर देना 100। ये आपका वोल्टेज रेगुलेशन निकल जाएगा, ठीक है। अब मान लेते इस ट्रांसफार्मर की रेटिंग है 0.5 एम्पियर करंट रेटिंग, ठीक है। वोल्टेज रेटिंग कितनी इसकी, 250 इंटू 0.5 एम्पियर मान लेते, कितना आ गया 125 वोल्टेज, ठीक है। 125 वाट का कोई लोड लगाओ इसमें, कोई भी लोड लगा दो, ठीक है। अब मान लो इसकी 1 एम्पियर अपन करंट रेटिंग मानते हैं, क्योंकि ये तो अपने पास एक मॉडल बनाया गया टेस्ट के लिए। अब ये जो छोटा ट्रांसफार्मर है इसमें 0.5 एम्पियर थी, तो इसका मान लेते अपने 1 एम्पियर, ठीक है। 1 एम्पियर करंट रेटिंग है इसकी, 250 वोल्टेज रेटिंग है, इंटू ये 0.9 कर लो, मतलब 250 वाट मान के चलो, ठीक है। अब इसमें ऐसा करो दो लैंप लगा लो, 200 वाट के लैंप ले आओ, दोनों को पैरेलल में जोड़ दो और 200 वाट का लोड लगा लो, ले आओ दो। इसको तो हटाओ, ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट आ गया समझ में। इन बटे लग गया, आप देखो इसकी नो लोड वोल्टेज माप दो पहले, इसको ऑटो ट्रांसफार्मर को साइड में कर। ये ट्रांसफार्मर है, इसके नो लोड वोल्टेज में छोड़ दो। अब इस पे देखो कोई प्रकार का लोड नहीं है ना, अब इसका वोल्टेज माप लो नो लोड वोल्टेज। एक सौ चालीस आ रहा है, तो ये तो हो गया VNL, VNL नो लोड वोल्टेज आ गया 140। अब ये लगाओ बल्ब लगाओ इस पे दो लगा, हाँ चलो एक क्यों नहीं जल रहा है, दूसरा ले ले। रेजिस्टेंस, अरे रेजिस्टेंस का मान बढ़ जाता है उसमें करंट कम रहता है, पके हो जाए हाँ उतना ही लगा रहे तो अपन मान लिया ना इसका। अब वोल्टेज माप रहे हैं उसमें देखो कितना आ रहा है, 134 आ गया ना,
कितना कम हो गया, 7 कम हो गया, ये हो गया फुल लोड वोल्टेज। ठीक है, फुल लोड आ गया, VFL का मान कितना है 134। अब फॉर्मूला लगाओ वोल्टेज रेगुलेशन का, VNL का मान है 140 माइनस 134 बटा 134 इंटू 100, तो ये तो हो गया 600 बटा 134 में भाग लगाओ कितना आ गया 4.4% प्रतिशत में आएगा, 4.4% आ गया वोल्टेज रेगुलेशन। अब कोई भी मशीन होती है उसकी दक्षता अपन एफिशिएंसी देखते हैं 100% होती है, उसमें से ये घटा दो 0.4% तो 95.6% की आ गई इसकी दक्षता आ गई। ठीक है, ट्रांसफार्मर सिंगल फेज का जो भी प्रैक्टिकल थे जो कंप्लीट हो गए, इसका सर्किट डायग्राम मैं आपको एक बार वापस बता दूंगा बोर्ड पे, है ना, है निकाल दी एफिशिएंसी में से। क्वेश्चन आ गया वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब जानो कि वोल्टेज ड्रॉप हो गया लॉस के कारण, तो इसमें 100% में 4.4% घटाओगे 95.6% ये आ गई आपकी। अगर दक्षता करनी है, दक्षता का फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट और इनपुट इनटू 100। दक्षता भी हमेशा प्रतिशत में निकालनी। ठीक है, आउटपुट क्षमता कितनी हो गई आपकी, मान लिया कि आउटपुट इसका 250 था, इनपुट 200, इनपुट है 250, आउटपुट में कितना मिल रहा है, अब इसमें 7 वोल्टेज तो वैसे ही कम हो गए है ना, तो इसमें देखो 140 वोल्टेज दे रहा था, एक करंट एक एम्पियर हमने करंट रेटिंग मानी इसकी, तो कितनी आ गई इसकी 140 वाट। ये क्या है, इनपुट है जो अपन लेंगे, लेकिन इसमें आ गया 134 इंटू एक एम्पियर, कितना आ गया 134, यही तो आ गया ना इसमें। अब 134 तो आ गई आउटपुट और 140 है इनपुट, इनटू कर दो 100, लगाओ 134 में 140 का भाग गुणा कर दो 100, एक सौ चौंतीस था ना, 134 इंटू 100 भाग 140 वो आ गया 95.6 95.7। ठीक है, ये डायरेक्ट कर दो माइनस या आउटपुट रे इनपुट क्षमता निकाल लो। ठीक है, आनी वही 95%। चलो अब खाओ खाना।